Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is non-ideal behavior of the gases. Actually, हम एक ideal gas की बात करते हैं और एक non-ideal gas की बात करते हैं. कब gas ideal होगी और कब gas non-ideal होगी? Basic point ये है. फिर आगे हम रीजन की तरफ आएंगे कि ऐसा क्यों, आइडियल कब होती है और नॉन आइडियल कब होती है और क्या रीजंस हैं उसके. आइडियल गैस ये कहते हैं कि जो ओबे करती है, ओबे द गैस लॉज, ऐसी गैस जो गैस लॉज को ओबे करती है, दैट इज आइडियल गैस. बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को, ठीक है, जो इसको ओबे कर रही होगी, दैट शुड बी आइडियल. और जो डेविएट कर जाती है, डेविएट फ्रॉम गैस लॉस, दैट इज नॉन आइडियल गैस, रेड गैस जिसे हम कहते हैं. ठीक है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब कब गैस आइडियल है, कब नॉन आइडियल है, हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गैसेस लेते हैं, हम उन पर प्रैक्टिकली जो है उसका डाटा लेते हैं, डाटा लेने के बाद उसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे कि गैसेस कब आइडियल है, कब गैसेस नॉन आइडियल है. हम चार गैसेस को यहां पे कंपेयर करते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड CO2. ये चार गैसेस हैं, इनको हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे. अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ में हमने ग्राफ डिस्कस किया था और उस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे प्रेशर रखते हैं, एक्स एक्सिस पे प्रेशर हम रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम पी वी हमने वहां पे मेंशन किया था, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, हमने बॉयल्स लॉ में ग्राफ ड्रॉ किया था. अब जरा फर्दर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊं तो हम यहां पे वाई एक्सिस पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं. अगर मैं एन आर टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे ले जाऊं तो पी वी डिवाइडेड बाय एन आर टी इक्वल किस चीज के हो जाएगा, वन के, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमारे नीचे चली जाएंगी, इधर वन रह जाएगा. और अगर हम n इज इक्वल टू वन कह दें तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, पी वी ओवर आर टी दैट इज इक्वल टू वन, मतलब y एक्सिस पे हम जो ले रहे हैं वो पी वी ओवर एन आर टी, और अगर n वन है तो पी वी ओवर आर टी हम y एक्सिस पे ले रहे होते हैं, पी वी भी हम उसको मैंशन कर सकते हैं. अब ये जो हमारा पैरामीटर है y एक्सिस पे, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस चीज के इक्वल आ रहा है, वन के इक्वल आ रहा है. मैं अगर यहां पे सपोज 0.5 लिखता हूं, इधर मैं 1 लिखता हूं, इधर 1.5 लिखता हूं, इधर 2 लिखता हूं, इधर एटीएम हमारा 200 एटीएम है, 400 ATM है, 600 ATM है, 800 ATM है, 1000 ATM है, तो ओवरऑल अगर गैस आइडियल है तो आइडियल गैस का PV इज इक्वल टू NRT कहां पे आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए, PV ओवर NRT या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की लाइन जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज हो जाएगा. बॉयल्स लॉ में आर टी वैसे कांस्टेंट होते हैं, जितना प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम उतना डिक्रीज हुआ, ओवरऑल वैल्यू क्या रही, कांस्टेंट रही. अब ये जो लाइन हमारे पास है ये एक आइडियल लाइन है, आइडियल लाइन है ये हमारे पास. गैस अगर आइडियल होगी तो बिल्कुल उसकी सारी की सारी पैरामीटर इसी लाइन के मुताबिक चले. अब हम क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं चारों गैसेस को जीरो सेल्सियस,
या हम इसे कहते हैं 273 केल्विन। जब हमने स्टडी किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट जरा यहां पे लिखते हैं। जब हमने हाइड्रोजन को देखा तो हाइड्रोजन का ग्राफ या हीलियम का ग्राफ इस तरह से आया, हीलियम हाइड्रोजन को हमने स्टडी किया तो हाइड्रोजन का ग्राफ यहां पे हमारे पास आ गया H2। जब हमने नाइट्रोजन को स्टडी किया तो नाइट्रोजन का ग्राफ यहां पे आ गया, दैट इज N2। और जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राफ है वो यहां पे आ गया। ये रिजल्ट हमारे पास है, हमारे पास आया जब हमने चार गैसेस को यहां पे कंपेयर किया। अब जरा हर एक गैस को जरा देखते हैं, हीलियम को देखते हैं कि हीलियम जब हम यहां पे इन कंडीशंस में थे तो वो जो लाइन है, हीलियम की लाइन है, वो आइडियल लाइन के बिल्कुल ऊपर थी। जैसे जैसे हम इधर मूव करते गए हीलियम की लाइन आइडियल लाइन से दूर होती थी, इसका मतलब आइडियल बिहेवियर से डेविएट होना शुरू हो गई, नॉन आइडियल होना शुरू हो गई। सेम कंडीशन हम ये कहते हैं हाइड्रोजन ने भी ये बिहेवियर शो किया, नाइट्रोजन ने पहले नीचे गया फिर ऊपर की तरफ, उसने भी डेविएट होना शुरू कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ने शुरू से ही बिल्कुल लो चला गया और एंड पे वो बिल्कुल अपर साइड पे चला गया, मतलब आइडियल लाइन से दूर चला गया। अब कंक्लूजन क्या आया हमें इस रिजल्ट से, इस ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंक्लूजन हमारे पास आया उससे जरा हम यहां पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आए हमारे पास। अगर इस वक्त मैं देखूं इन चार गैसेस को, हीलियम इज मोर क्लोज टू आइडियल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इज मोर क्लोज टू आइडियल एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इज मोर क्लोज टू आइडियल एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन चारों की चारों गैसेस डेविएट कर गई आइडियलिटी से, ये तो चारों के कंपैरिजन में ये रिजल्ट आया, लेकिन ओवरऑल वो डेविएट कर गई हैं। ये डेविएट क्यों की? एक तो रीजन ये है कि पीवी ओवर एनआरटी वाज नॉट इक्वल टू वन नहीं रहा। अगर ये लाइन हमारी नीचे जा रही है तो इसका मतलब जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ओवरऑल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब जितना डिक्रीज होना चाहिए था उससे ज्यादा डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से हम नीचे चले जाते हैं। जब ये लाइन इस आइडियल लाइन से अपर साइड पे जाती है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज उतने उस रेशो से नहीं हो रहा, वॉल्यूम नॉट डिक्रीज, रेशो नॉट डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता पीवी ओवर आरटी की रेशो बढ़ जाती है, जब वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो जाता है पीवी ओवर आरटी की रेशो कम हो जाती है, दोनों केसेस में वो आइडियल से दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब इस ग्राफ से हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आया। हमने ये देखा इस जगह पे ये आइडियल के क्लोज है, जैसे जैसे हम इधर गए आइडियल से दूर होते गए, इधर हमने किस चीज का पैरामीटर चेंज किया, प्रेशर का। इट मींस अगर हम लो प्रेशर पे रहें, अगर हम लो प्रेशर पे रहें तो गैसेस आइडियल के क्लोज होती हैं, और जैसे जैसे हम हाई प्रेशर की तरफ चलते हैं तो हाई प्रेशर पे हम ये कहते हैं गैसेस नॉन आइडियल होना शुरू हो जाती हैं, नॉन आइडियल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये कंक्लूजन आ गया, ये पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया, एट द एंड भी हम इनको कंक्लूड कर देंगे। ये ओवरऑल जो स्टडी हमने की वो जीरो सेल्सियस पे हमने स्टडी की। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा एक स्टडी करते हैं, इन्हीं गैसेस को लेते हैं, वही एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर 200 400, 600, 800 एंड 1000 एक्सेस पे हमने प्रेशर ले लिया, प्रेशर इन एटीएम, दैट इज प्रेशर इन एटीएम। और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया, वही पी वी ओवर एन आर टी, ये हमारे पास 0.5, ये 1.0, 1.5, ये एक आइडियल लाइन है, ये एक आइडियलिटी है।
ओवरऑल हमारे पास ये आइडियल लाइन हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। गैसेस वही हमारे पास चल रहे हैं, लेकिन अब हमने जीरो सेल्सियस पे नहीं स्टडी करना, अब जो स्टडी हम कर रहे हैं वो हम 100 सेल्सियस पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब 373 केल्विन पे हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारी स्टडी है, पहले हमारी स्टडी क्या थी, ये हमारी स्टडी। अब जरा बिहेवियर देखते हैं, गैसेस क्या करते हैं। जब हीलियम को हमने देखा तो हीलियम ने इस तरह का बिहेवियर शो किया। हाइड्रोजन को जब हमने स्टडी किया तो हाइड्रोजन ने भी ऐसा बिहेवियर शो किया, और जब हमने नाइट्रोजन को यहां पे कंपेयर किया तो नाइट्रोजन ने भी ये बिहेवियर शो किया, और जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ये बिहेवियर शो किया। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब देखिए यहां पे भी प्रेशर वही है, इधर भी प्रेशर वही ही थे। जब हम इन दोनों गैसेस को कंपेयर करते हैं, यहां पे हीलियम ज्यादा डेविएट हो गई थी, यहां पे डेविएट नहीं किया उसने। Here helium is more close to the ideality as compared to its zero Celsius. No doubt, ratio उसकी वही है, तरतीब वही है। Helium is more ideal as compared to hydrogen, is more ideal as compared to nitrogen and CO2. इसकी तरतीब वही है, लेकिन जब हम इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करते हैं, here helium is more ideal as compared to in this graph. Here carbon dioxide is more close to the ideal line as compared to its graphical explanation. यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया? यहाँ पे से हमने कंक्लूजन क्या किया? हमने कंक्लूजन ये किया, जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसा कि जीरो सेल्सियस इधर बात की, गैसेस आर नॉन आइडियल, गैसेस उस वक्त नॉन आइडियल होती हैं। जैसे हम हाई टेम्परेचर की तरफ हम आते हैं तो हाई टेम्परेचर पे गैसेस क्या होने शुरू हो जाती हैं, आइडियल होना शुरू हो जाती हैं। ये दूसरा कंक्लूजन हमारे पास, ये एक दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब जब हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन देखते हैं, गैसेस आर आइडियल, कब आइडियल होगी, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और कब नॉन आइडियल होगी, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैसेस क्या हो जाती हैं, नॉन आइडियल हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि गैसेस नॉन आइडियल होती क्यों है? गैसेस को तो आइडियल बिहेवियर को यहां पे फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो नॉन आइडियल की तरफ क्यों गई, वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों कर गए? यहां पे हम एक छोटा सा टॉपिक अटैच करते हैं, That is causes of deviation of the gases from ideal behavior. ऐसी क्या रीजन है? मैं यहां पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता जाऊं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमने मुख्य पासुलेट्स पढ़े थे। There are large number of molecules. Molecules remain in motion, and there is exert some pressure. There are large empty spaces. No forces of attraction, volume is negligible, no gravity effect, temperature is directly proportional to kinetic energy. ये हमने पैरामीटर उसमें डिस्कस किए थे। अगर वो सारे के सारे पास्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ठीक होते तो गैस आइडियल है, लेकिन हमारे कुछ पास्टुलेट्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि फॉल्टी पास्टुलेट्स। फाल्टी पास्टुलेट जो पास्टुलेट क्या हो गए, गलत हो गए, मतलब उन पॉइंट्स पे जाके गैसेस नॉन आइडियल है। अब नॉन आइडियल का हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि जब हम हाई प्रेशर रखते हैं, हाई प्रेशर करते हैं और लो टेम्परेचर करते हैं, तो इन केसेस में गैसेस क्या होना शुरू हो जाती हैं, नॉन आइडियल होना शुरू हो जाती हैं। नॉन आइडियल अगर गैस जा रही है, इट मींस वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। अब कौन से पास्टुलेट्स हैं जो फॉलो नहीं किए जाते? एक जो हम जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला जो पास्टुलेट है, ये डेविएट हो जाता है।
और दूसरा यहां पे वॉल्यूम जो है वो पास्टुलेट हमारा डेविएट हो जाता है। ये दो पास्टुलेट डेविएट हो जाते हैं, इनको हम स्टेप वाइज देखते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पास्टुलेट ये कहता था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ये पास्टुलेट था। बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बट एट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर लो टेम्परेचर सम फोर्सेस आर डिवेलप्ड, सम फोर्सेस आर डिवेलप्ड। जब फोर्सेस डिवेलप हो जाती हैं, इट मीन दैट गैस इज नॉट आइडियल, गैस इज नॉन आइडियल। जब गैस नॉन आइडियल होगी शुड डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है, एक ये रीजन है। पास्टुलेट ये कहता है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट एक्चुअली जब हम देखते हैं एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं, इन कंडीशंस में देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। दूसरा हमने पॉइंट ये पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ गैस ना होने के बराबर होता है। जैसा कि ये अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं और गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, सपोज मैं ये कहता हूं कि 5-7 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दूर दूर है, नेग्लिजिबल है। लेकिन जब मैं इस पर प्रेशर बढ़ाऊंगा और मैं इस पर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, अब एरिया जो है ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंप्रेस हो जाएंगे। पहले ये मॉलिक्यूल्स है इस पूरे एरिया पे, अब ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं इसी छोटे से एरिया पे। ऐसे समझें, ऐसे देखें, ये एक पूरा शहर है, ये एक पूरा सिटी है। अगर ये एक पूरा सिटी है, मैं ये कहता हूं कि हमारे इस सिटी में, जैसे पाकिस्तान के हम कहते हैं कि लाहौर में 10 लोग रहते हैं, एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, लोग कितने वहां पे अवेलेबल हैं, सिर्फ 10 लोग अवेलेबल हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लाहौर खाली है, लाहौर खाली हुआ पड़ा है, मैं भी कह सकता हूं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है लेकिन जो पार्टिकल्स है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है, दीज आर नेग्लिजिबल। लेकिन अगर वही 10 लोग मैं इकट्ठे करके एक ही रूम में बिठा देता हूं, एक रूम में मैं बिठा देता हूं, और अगर अब मैं ये कहूं कि रूम खाली है हालांकि 10 लोग मौजूद हैं, अब ये बात जो है वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि अब लो एरिया हो गया। अब उस एरिया पे जो वॉल्यूम होगा, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होगा, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम डिवेलप हो जाता है वहां पे जब हम हाई प्रेशर अप्लाई, अब वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट वॉल्यूम गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमारे यहां पे हो गए जो गैसेस को आइडियल से डेविएट करते हैं, गैसेस हमारी नॉन आइडियल हो जाती हैं। तो ये ओवरऑल हमारा नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस यहाँ पे मौजूद था। ओके, दैट इज द रीजन, एंड थैंक यू वेरी मच।